Archangel. जब हम प्रार्थना कर रहे थे उस टाइम पे प्रार्थना करते करते तलवार नजर आई मेरे हाथ में, उसी टाइम आपने बोला आगे से तलवार, तो मुझे दोनों हाथों में तलवार नजर आई और उसके बाद में सामने शैतान आ रहा था, मैं उसको काटे जा रही थी सब तरफ से, बहुत बड़े बड़े शैतान, अंधकार की पूरी दुनिया थी वो। फिर एक शैतान को मैंने बीच से काटा, उसमें से लड़कियाँ निकली, टीनेजर लड़कियाँ, यूथ लड़कियाँ निकली उसके अंदर से बहुत। मैं और आगे बढ़ती गई, फिर 10-12 साल की लड़कियाँ, बच्चियाँ निकली उस एक के अंदर से, फिर और आगे बढ़ती गई, सब तरफ से मारती गई, फिर आग के गोले फेंकती गई मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर छोटे छोटे बच्चे निकले एक शैतान के अंदर से। उसके बाद मेरा हाथ अपने आप ही शेर का पंजा बन गया, पूरा लायन का पंजा बन गया। उसी टाइम आपने आगे से बोला लायन चुन लायन करके बाद, उसके बाद मैं बिल्कुल दहाड़ दी ली लायन की तरह। अभी भी मम्मा जब हम प्रार्थना कर रहे थे आपने ऑयल एनॉइंटिंग के बाद, इसके हाथ ऐसे थे ऐसे लायन की तरह, आपने जब ऑयल एनॉइंटिंग के बाद की, मुझे यहाँ सारे एंजल्स नजर आने शुरू हो गए, सारे एंजल्स नजर आ रहे थे, नजर आने शुरू हो गए थे। फिर यहाँ से लाइट आई, मैंने सफेद घोड़े पर प्रभु को देखा है, प्रभु को आते हुए सफेद घोड़े पे देखा आपने, और उसके बाद मैंने चर्च देखा, एक
सफेद चर्च बहुत बड़ा चर्च देखा। ये वो चर्च है जो परमेश्वर बनाने जा रहा है इस अंतिम समय में। उसके बाद मैंने देखा ऐसे ऐसे करके इंक्लाइंड वे में देखा, ग्रीन पहाड़ था और ऊपर एक क्रॉस देखा मैंने। उसके बाद मैं जब यहाँ खड़ी थी, आपने जब मेरे को बुलाया आगे, मेरे हाथ में पूरा ऑयल भरा हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद जब गिरी फिर पूरा जी। पास्टर जी जब मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे तो मैं सोच रहा था पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे छुएगा कि नहीं छुएगा, मगर मैंने ऐसा फील किया कि दो एंजल मेरे पास में खड़े हैं और मैं ऐसे हाथ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि सामर्थ मेरे अंदर एंटर हो रही है और अजीब सा करंट मैंने अपनी पूरी बॉडी में फील किया और अभी भी मैं जब देख रहा हूँ पास्टर जी को तो सामर्थ को फील कर रहा हूँ। और सुबह परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़े लूंगा और मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन को देखेंगे, पुण्य सपन को पाएंगे। तो मेरे अंदर एक शांति थी, मेरे अंदर एक आनंद था। मुझे परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि आज तू भर के जाएगा, आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा। और मैं अद्भुत रीति से यहाँ पर भरा हूँ और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ और परमेश्वर की दासी को देता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन चेंज हो गया, मैंने टिकट बहुत पहले कराया था, मगर मुझे परमेश्वर की दासी विजन में आई और विजन में आकर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रेयर की। फिर मुझे पता नहीं कहाँ से सामर्थ आई और मन मेरा चेंज हो गया और मैं सीधा यहाँ पर पहुँच गया। मैं जब प्रभु की दासी पहली बार आई और यहाँ प्रार्थना कर रही थी तो मैंने उस समय पहला दर्शन देखा था कि प्रभु यीशु प्रभु के दासी का हाथ पकड़े हुई हैं और प्रभु की दासी मेरा हाथ पकड़ रही हैं और हम तीनों उड़ रहे हैं आकाश में, आकाश में उड़ रहे हैं। मैंने उस समय मुझे लगा कि हो सकता है कुछ समस्या हो, मैंने कुछ भाइयों से शेयर किया था खाना खाने समय। फिर प्रभु की दासी आने वाली थी, मैंने प्रभु का से प्रार्थना की, प्रभु अगर तेरी ओर से तो फिर से मुझे प्रकट कर इस बात को। और प्रभु फिर प्रभु की दासी आई और फिर से वही विजन मैंने देखा कि फिर मैं वैसे ही उड़ रहा हूँ। और इसके बाद जब प्रभु की दासी फाइट प्रे कर रही थी यहाँ पे, मैं यहाँ ज्वलंत सिंहासन को देखा हूँ, उसके चारों ओर आग था और सिंहासन के दोनों तरफ यहूदा का शेर खड़ा था और उस सिंहासन के ऊपर जलता हुआ बाइबल था, उसमें से प्रकाश आ रहा था, आग निकल रहा था और प्रभु की दासी वो बाइबल मुझे दे रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मम्मा प्रे कर रहे थे अभी और सुबह में भी पहले सचन में, तो इस पूरे स्टेज एरिया में पूरा प्रकाश देखा और प्रकाश के उसके ऊपर भी प्रकाश की जानी के प्रकाश के ऊपर प्रकाश की चादर जैसी देखी। जब प्रभु के दासी ने प्रेयर करना शुरू किया तब उसके जो वेदी पर बहुत सारे एंजल दिखे और जो मूसा ने जैसे जो झाड़ी जलती हुई दिखी ऐसे क्रॉस की तरफ बहुत से पवित्र आत्मा की ज्योति जैसे पवित्र आत्मा जलता हुआ उसमें जो आग है वो जलती हुई दिखी वेदी पर। जब खुदा की दासी अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी मेरे हाथों में पंख लग गए थे, मैं पंख की तरह ऐसे ऐसे उड़ने लगी थी, ऐसे वहाँ से उड़ाकर जहाँ पे लेकर आए मुझे ऊपर गुजुतों ने उठा लिया था और मैं बहुत पावर से भर चुकी थी और आगे पास मैं फायर से पूरा घिर चुकी थी। मैं परमेश्वर का तारीफ करो, तारीफ करो। सबको जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम दीपा मोहिते है और मैं यहाँ पर 3 दिन के मीटिंग में बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ और परमेश्वर के दासी ने जो भी वचन इन 3 दिनों में सिखाए उन वचनों के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में अंतिम समय में जो कलीसिया को काम करना चाहिए वो काम करने का जो रास्ता है उन्होंने दिखाया और वचनों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत वचनों के द्वारा अद्भुत तरीके से बातें की और स्वर्ग के दृष्टांत भी दिखाए और सबको प्रभु ने बहुत आशीषित किया। और मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से अभिषेक लेकर जा रही हूँ, परमेश्वर का सामर्थ लेकर जा रही हूँ और मैं ऐसे ही काम करूँगी जैसे वचनों के द्वारा मैं आज सीखी हूँ कि परमेश्वर के अंतिम दिनों के लिए एक युद्ध करना है, आत्माओं को छुड़ाना है, वही काम मैं करूँगी। और परमेश्वर के दासी के द्वारा जो भी परमेश्वर ने आज मुझसे बातें की है वो परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ 3 दिन सुपर नेचुरल इनकाउंटर द ग्लोबल पास्टर मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत ही उत्साह के और जोश के साथ आई थी कि परमेश्वर सचमुच मुझे अद्भुत सामर्थ्य से भरेंगे। और आज जैसे इम्पार्टेशन का इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, मम्मा कंचन मित्तल जी जैसे ही पुलपिट पर आए और उन्होंने बोला कि आप प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य से आज भरेंगे और स्वर्ग से आपके ऊपर
तेल उड़ेला जाएगा, तेल उतर रहा है, जब वो ऐसे बार बार घोषणाएं कर रहे थे, स्वर्ग से ऑयल आएगा, आमेन, स्वर्ग से आपके ऊपर ऑयल आए, आमेन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुद यहोवा वो परमेश्वर आपका अभिषेक करे, आमेन, वो आपका अभिषेक करे। तो मैंने देखा कि किसी का हाथ आया मेरे सर के ऊपर और अचानक से मैंने महसूस किया जैसे किसी ने कुछ डाल दिया सर के ऊपर और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बह रहा है और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ मेरे सर पे उड़ेला गया और पूरा मेरे चेहरे पे उतर रहा था। फिर मैंने देखा मामा कंचन जी जब नीचे आए स्टेज से तो मैंने देखा उनके पुलपिट के ऊपर की साइड पर एलिया नबी की स्पिरिट को देखा मैंने। एलिया नबी खड़े थे और मामा के चारों तरफ अग्निमय रथ थे, द फायर चैरियट्स थे, उनके चारों ओर घेरा हुआ था उन्होंने। और फिर मामा जब इम्पार्टेशन कर रहे थे तो मामा जब मेरे पास आए और उन्होंने मेरी आंखों में देखा तो मामा के अंदर से अद्भुत सामर्थ्य और वो बहुत ही भारी थी। बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी प्रभु की उपस्थिति मेरे भीतर प्रवेश करी और फिर मामा ने और फिर मैं अद्भुत सामर्थ्य से भर गई और मैं नीचे गिर पड़ी पर मैं रिल्म्स में चली गई। और मामा फिर से मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि और ले लो और ले लो और ले लो, तीन बार बोला मामा ने। तो वो अभिषेक मैंने देखा कि स्वर्ग खुला और एक बड़ा झरना, एक बड़ा वाटरफॉल जैसा होता है बहुत भारी आग का, वो जैसे बादल फट जाता है ऐसे मेरे ऊपर गिर गया। और मैं बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस मैंने सालों से नहीं किया था, मैं बहुत सालों से प्रभु में हूँ, मैं बहुत सालों से सेवकाई भी कर रही हूँ और सचमुच चिन्ह भी होते थे, लेकिन ऐसी अद्भुत सामर्थ्य आज मैंने प्रभु की दासी के द्वारा ग्रहण की। सचमुच ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों के लिए ऐसे सामर्थ्य अगुओं को हमारे बीच ठहराया। और सचमुच ऐसी जगह पर होना कितनी ही अलौकिक और आशीष वाली बात है। फिर मैं रेल्स में जब थी तो मैंने देखा प्रभु मुझे पूरी पृथ्वी दिखाई, प्रभु ने पूरी, मैं ग्लोब को देख रही थी जिसमें इंडिया का मैप था और भारत में जगह जगह विस्फोट हो रहे थे, जगह जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसकी रोशनी सारे नेशन पूरी पृथ्वी पे मैं देख रही थी, अंधेरा है लेकिन भारत ही चमक रहा था और उसकी ज्योति सब जगह जा रही थी। और फिर प्रभु मुझे वापस इसी हॉल में लेकर आए जहाँ इम्पार्टेशन सेशन चल रहा था। मैंने देखा कि हॉल की चारों दीवारें गिर गई हैं और जैसे बाढ़ होती है ना ऐसे लोग आ रहे हैं भाग के, भेड़ों के घोड़ों के समान लोग भाग के आ रहे हैं और जगह नहीं है। और परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद हो इस अलौकिक दर्शन के लिए, मैं बहुत आशीषित हूँ यहाँ आके। सबको जय मसीह। जय मसीह की। मेरा नाम है शकुन बर्मन और मैं जबलपुर से आई हूँ। कि जब हम भवन के अंदर यहाँ प्रवेश होते हैं तो हमको इतना अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जब हम मीटिंग अटेंड करके गए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत पवित्र वेदी है और इस वेदी के ऊपर हमने वो सारी चीज़ों को देखा है। जैसे कि मम्मा के आने के पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पर मौजूद, मम्मा प्रचार कर रही थी यहाँ पर। तो मैंने वो तेल देखा, बहुत अभिषेक का तेल देखा यहाँ पर। और जब मम्मा प्रचार कर रही थी ऐसी दुष्ट आत्मा निकल रही थी और क्या बोलते, दो लोग पकड़ के उनको ऐसे अंधलोक में फेंक रहे थे। तो ये बहुत पवित्र वेदी है और बहुत अभिषेक है यहाँ पर। और हम मम्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ के सभी सेवक जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ के हम बहुत बहुत ब्लेस हुए हैं, बहुत सारी आशीषों को हम लेकर जा रहे हैं और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मम्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम दुआएं भी करते हैं कि एक कलेशिया बिल्कुल भारत के कोने कोने तक यहाँ का सुसमाचार पहुँचेगा और ये कलेशिया बहुत बढ़ेगी, बहुत आशीषित भी होगी।
जय मसीह की। मेरा नाम पावल कुमार है, मैं गुजरात से हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु खुदा हमको ये मीटिंग में लेकर आया। ये मीटिंग में 3 दिनों में अभी तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे अभी एक सेशन ही ख़त्म हुआ है। 3 दिन कैसे निकल गए हमको कुछ पता ही नहीं चला। ये 3 दिनों में हमने प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य कभी देखा नहीं था, ऐसा सामर्थ्य देखा, ऐसे वचन जो कभी हमने सुने नहीं थे, ऐसे अद्भुत परमेश्वर के वचन सुने, जो प्रभु की सामर्थ्य थी वो इस जगह पे हमने देखी। यहाँ के लोगों में जो सच्चा प्रेम है, जो प्रेम मम्मा में है, वही सेम प्रेम लोगों में दिखा। यहाँ के जितना भी मम्मा के साथ सेवकाई करने वाले लोग हैं, सब में हमने इतना प्रेम देखा कि वो प्रेम हमने दूसरी किसी जगह पे नहीं देखा। सो मम्मा को मम्मा को और उसकी पूरी टीम को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया। यहाँ पे सब मम्मा और उनकी टीम ने हमारे लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सके वो किया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मम्मा का भी धन्यवाद करते हैं। मम्मा जी के जीवन से हमने बहुत सीखा और हमारे जीवन में बहुत सी आशीष हमको मिली है। सो मम्मा को और मम्मा की पूरी टीम को, अपोस्टल जी को, सबका हम धन्यवाद करते हैं। जय मसी की। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम है शीला बेन और मैं मम्मा के मीटिंग अटेंड करने के लिए जब पहली बार गुजरात में गई थी वागजरी गाँव में, तब तो मैंने अद्भुत अनुभव किया था पवित्र आत्मा का, भरपूरीपणा का और अन्य भाषा का वरदान भी पाया था। और तब से लेकर मैं मम्मा की मीटिंग अटेंड करती थी और अभी यहाँ पंजाब आना था पास्टर कॉन्ट्रैक्ट्स की सभा में, तो मैं घर से तैयारी हो रही थी, तब मुझे बहुत रुकावटें भी आई, लेकिन प्रभु मुझे यहाँ तक लाया। और इस मीटिंग अटेंड करने के बाद वो पहले दिन से ही मुझे प्रभु का वो हवा जो था वो मुझे वो पवन में लेकर पीछे जा रहा था। और फिर आज मैंने तीसरे दिन ऐसा अनुभव किया कि आग के गोला जैसा मुझ पर 3 बार आया और मैं फिर भी पीछे चले गई और वो पवित्र आत्मा का आग मुझ में आ गया और मुझे आगे लेकर गए वॉलियंस लोग। और फिर वो मुझे ऐसा बोला पवित्र आत्मा ने कि ओ तुझे आत्मिक योद्धा बनना है और अंधकार की शक्तियों के सामने लड़ना है। तो मैंने बोला हाँ प्रभु मैं लड़ूंगी, ऐसा बोला। और मुझे बहुत रोना आया और प्रभु के सामने मैं बहुत रोई कि मैं तेरे लिए लड़ूंगी, ऐसा बोलती थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम जसुबेन है और मैं गुजरात से हूँ। इधर मैं पास्टर कन्वेंशन में आई तब मेरे को अद्भुत अनुभव हुआ। और दूसरे दिन जब मीटिंग था मेरे पर एंजॉय का आत्मा उतरा और मैंने एंजॉय का आत्मा पाया। और आज तीसरा दिन है तब मैं जब मम्मा ने प्रे किया कि आप आत्मिक योद्धा हो। वो आत्मिक योद्धा हो तुम। मैंने बोला वो परमेश्वर की आर्मी हो तुम, यहोवा की सेना हो तुम। तब मेरे पे पवित्र आत्मा का गोला उतरा और मैं गिर गई और इतना सामर्थ्य से मैं भर गई कि मैं 3 या 4 घंटे तक ऐसे ही बेहोश में पड़ी रही थी। ये बहन कब से पड़ी है? पास्टर जब से इनके लिए प्रेयर हुई है उसी समय से। कितना टाइम? 2 घंटे हो गए होंगे हमें। ये बात बात शूर है पास्टर जी। 2 घंटे ये आत्मा का काम है। अद्भुत मुझे अनुभव हुआ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तुझे मसीह की। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे इस मीटिंग में लेकर आए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैंने देखा कि जैसे ही मम्मा प्रेयर कर रहे थे ना, तो मैंने ऊपर से लाइट ऐसे तेज रोशनी जाते हुए देखी, ऐसे करके ऐसे जाते हुए देखी, बिल्कुल तेज रोशनी। और मैंने प्रभु ऐसे जैसे कि आ रहे ऐसा भी देखा मैंने। और मम्मा ने कहा ना कि स्वर्ग से तेल उंडेला जा रहा है, तो मैंने गाढ़ा गाढ़ा ऐसा सिल्वर कलर का ऊपर से नीचे उतरते हुए देखा, गाढ़ा सा बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा कि बड़ा बहुत भीड़ देखी, बहुत ज़्यादा भीड़ जिसको हम गिन नहीं सकते, इतनी भीड़। मैं करी प्रभु से, प्रभु इतनी सारी भीड़ कितनी सारी इसको गिन भी नहीं सकते यू। फिर देखा कि एक बड़ा स्टेज लगा हुआ है, उस बहुत बड़ा स्टेज है और बहुत भीड़ है।
तो जो स्टेज के नीचे सारे लोग हैं ऐसे लंबा हाथ कर रहे, लंबा हाथ करके ऐसे कर रहे हैं, ऐसे देखा। तो मैं देख रही हूँ, देखते देखते मैं मम्मा को स्टेज पे देख रही थी, तो मम्मा को देखते देखते मैंने खुद को भी देखा स्टेज पर। फिर मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैंने प्रभु ने मुझे दर्शनों से भरा, और मैंने आग भी देखी, बहुत सारी आग देखी। जैसे ही प्रेयर हो रही थी ना, तो बहुत सारी आग देखी, और बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा है, और लाइटें लगी बहुत सारी, बहुत भीड़ है उसमें, पर उसकी छत नहीं है, छत खुली है पर बहुत बड़ा है, उसका नाप में मैं बता नहीं सकती, और लोग भी इतने सारे कि मैं इनकी गिनती भी नहीं कर सकती, इतने सारे। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दर्शनों के लिए, प्रभु ने मुझे मीटिंग में लेकर आए इसके लिए, और सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु की योजना होती है तभी होता है, और प्रभु अपनी योजना के तहत मुझे यहाँ लेकर आया, मुझे ब्लेस किया, अभिषेक किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।